अभी हम निकल चुके हैं खेत के लिए और आज देखते हैं कि खेत में पव ने क्या कुछ नुकसान किया है और वो सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाई? वो बात सब अच्छे होंगे और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि पव के दुकान में राजस्थान के चूरू जिले में क्या कुछ नुकसान किया है। अभी हम अपने खेत पर जा रहे हैं और वहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। रात को काफ़ी भयंकर आंधी के साथ बारिश वगैरह हुई थी। बारिश तो नॉर्मली थी लेकिन आंधी काफ़ी तेज थी। तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या कुछ नुकसान हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं लगता है, बाहर खेतों में नुकसान फ्रेश तो ज़्यादा था। टाइम स्पीड कुछ ज़्यादा थी, मेरा मतलब स्पीड कुछ ज़्यादा थी, तो वो सब क्या वहाँ पर नुकसान है। और बारिश का दुख ये है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी वगैरह इकट्ठा हुआ है। लॉकडाउन पूरी तरीके से लगा हुआ है और मैंने लॉकडाउन के बाद पहली बार एक से डाल के बाहर निकल रहा है और यहाँ से। और पहला तो ये है कि यहाँ पर देख सकते हो बाढ़ उड़ी हुई है और रास्ता भी काफ़ी हद तक बारिश हुई है, थोड़ी इसलिए चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे भी डेजर्ट में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मुझे तो फील नहीं होता है। और यार नुकसान तो हुआ है काफ़ी कुछ, यहाँ पर खेतों में उदा हुआ है। देख सकते हो मारवाड़ी भाषा में बोले तो झिटके वगैरह और कुछ लकड़ वगैरह इधर उधर हुए हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है। पेड़ वगैरह की टूटे हैं सर, मौसम तो इतना भयंकर था। जब गाँव में इतना तेज उसका प्रेशर था तो उसका बार ज़्यादा हो, यहाँ देख के तो नहीं लग रहा इतना। बस ये अच्छा फील हो रहा है, लॉकडाउन के बाद मैंने पहली बार अपनी बाइक को बाहर निकाला है और कोर्स भी नहीं किया है। खेत तो करने के लिए निकाली थी, मैंने सोचा क्यों ना पव के क्या क्या कुछ नुकसान किए, इसलिए साथ में ब्लॉग शूट हो जाएगा और ईद के भी दर्शन हो जाएंगे। और घर बैठे बैठे काफ़ी बोर हो गए थे, मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गया, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए। वो देखो पेड़ टूटा हुआ है उधर और थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, पव ने नुकसान किया है। और आगे देखेंगे क्या कुछ नुकसान हुआ, आगे भी देखने को मिलेगा कुछ, क्योंकि यार प्रेशर तो कुछ ज़्यादा ही था उसका और काफ़ी ऊपर कंटे वगैरह बिखरे हुए हैं जगह जगह। ये जगह भी काफ़ी सोनी लग रही है, पूरा इधर से निकालते हैं। यहाँ पर कुछ बारिश भी ठीक लग रही है, पानी वगैरह इकट्ठा हुआ है। चलो आगे देखते हैं, मैं क्या किया ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, थोड़ा दुख किया। और हम लोग देख सकते हो कि पावर डेजर्ट में कैसा है इस बाइक का। वैसे तो मैं इंस्टा पर रील वगैरह डालता रहता हूँ तो इंस्टा पर अपडेट मिलते रहेंगे आप लोगों को। और अभी यार लॉकडाउन लग रहा है तो मैं बाहर निकलना अच्छा नहीं समझता और बाहर जाता भी नहीं है। वरना लॉकडाउन में रोग वगैरह काफ़ी सारे मिलते हैं आप लोगों को, और वैसे तो रोग का पूरा लॉकडाउन ही होता है। कुत्ते घूम रहे हैं बाहर, डेजर्ट में भी अच्छी खासी पावर है इसकी, कोई वाली वो बात है नहीं। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पर बारिश भी गांव से काफ़ी अच्छी है तो केयरफुल निकालते हैं, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि जगह काफ़ी फिसल रही है। मैं कोशिश करूँगा कि साइड से निकल दी गई क्योंकि रास्ता का कुछ फिसल ना आया, साइड साइड चलते
नुकसान का तो पता नहीं, बारिश काफ़ी अच्छी हुई है और नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ उतना जितना लग रहा था, क्योंकि रात दो आंधी आई थी, उस पर प्रेशर यार कुछ ज़्यादा था, स्पीड 170 के करीब थी, बगैर फिसल नहीं काफ़ी, वैसे इतनी जल्दी फिसल के तो नहीं, चलो देखते हैं आगे क्या कुछ मिलेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि थोड़े बहुत कुछ पेड़ वगैरह टूटे हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही नहीं नुकसान वाली बात, तो इधर भी ये टूट कर गिरा हुआ, चलो देखते हैं अभी क्या कुछ हुआ। ये देखो यहाँ पर ये पेड़ टूटा है, तो कहीं कहीं तो नुकसान हुआ है खेतों में, पेड़ वगैरह टूट कर आए हैं, काफ़ी दूर आए हैं टूट कर, और आगे देखेंगे अपने खेत में कितना कुछ नुकसान हुआ है, और मुझे भी बहुत दिन हो गए और खेत में आए थे, तो आप ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और खेत में भी खुद ही क्योंकि ये टाइम बहुत सेफ्टी वाला है, तो घर पर रहकर अपना ध्यान रखें, अपना का ध्यान रखें, मैं भी नहीं निकलता हूँ, ब्लॉग वगैरह मेरे को शूट करने चाहिए क्योंकि लॉकडाउन में लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन यार मैं बाहर निकलना सेफ्टी नहीं समझता, तो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, बाद में बनाएंगे कोई बात नहीं, जो तो उसको चलता रहेगा, बोर हो गई थी काफ़ी दिन करते थे, मोटर लेते हैं पहाड़ की हुई है कल्टीवेटर बोल रही, तो अभी देखो कैसे आराम से जा रही है, और इधर ये है उनका खेत और मकान वगैरह बने हुए, तो काफ़ी धीरे हम पहुँच चुके हैं। गए जिधर देखो हिरण घूम रहे हैं खेतों में, और यार पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है, इधर गायें बैठी हुई है कुछ, और ये थोड़े बेंटके उड़ गए यहाँ से, बेंटके बोल सकते हो, तो ने यहाँ से बेंटके उड़ा दिए, अब इनको लकड़ी यहाँ पर रखी हुई थी वो उड़ गई है, और उधर इन्होंने वो देख सकते हो आप लोग, और वो इस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपने इस फ़ोन में, तो सेटअप की बात करें तो यार हेलमेट में प्रॉपर तरीके से माउस सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत टाइट है इसके अंदर की जो बम बुला सकते हो वो बहुत टाइट है, इसलिए लग नहीं पा रहा था। यहाँ मैं आपको खेत का पूरा माहौल दिखाने आया, क्या कुछ नुकसान हुआ है, ज़्यादा तो अपने खेत में कुछ नुकसान नहीं हुआ है, कुछ वहाँ पर लकड़ी वगैरह थी वो वहाँ से उड़ चुकी हैं, और इधर से भी उड़ चुकी है, और ऐसा कुछ नज़ारा है अपने खेत का, मकान वगैरह है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, खेत में रहो, और इधर हिरण घूम रहे हैं, तो बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, तो यहाँ पर पानी वगैरह इकट्ठा हुआ है, और खेत में कुछ काफ़ी कुछ दिनों के बाद पानी वगैरह भी आएगा। आप लोगों को मैं डिग्गी दिखाऊँ, ये डिग्गी बनी हुई है, तो वहाँ पर पानी आने के भी चांस हैं, अगर पानी आ गया टाइम पे तो मौज हो जाएगी, और बारिश ठीक ठाक हुई है यार। इधर है ये डिग्गी जिसकी मैं बात कर रहा था, इधर एक कुंड खेत में कुंड बना हुआ है, बाकी देखते हैं एक छोटा सा वहाँ पर टूटा हुआ है, तो ये वो डिग्गी है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देख सकते हो आप, जब पानी आएगा तो यहाँ से खेत में पानी लगा सकते हैं, और इंजन वगैरह की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, ट्रैक्टर से लगाओ या इंजन से लगाओ, ये डिग्गी बनी हुई है, नहर का पानी आएगा इसमें खेतों में, तो अच्छी है, ज़मीन भी अच्छी है, इतनी पानी लगेगा आराम से, और व्लॉग का पूरा जो सेटअप है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने HDK मैट प्रो मैट में लगा रखा है, अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे कुछ सेट किया है तो वो मैं बना के डाल दूँ, बाकी यार मुझे लग रहा है कि कम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है, कि मुझे दूसरा हेलमेट लेना पड़ेगा और उसी से अपनी व्लॉगिंग शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर माइक प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाएगा, अभी जो सांसों की आवाज़ है वो साथ में आती है वीडियो में, तो बहुत कुछ कटिंग करनी पड़ती है, और पैदल घूम रहा हूँ वहाँ से यहाँ तक काफ़ी,
और इधर पप्पा खेत में देख रहे हैं बारिश कितनी हुई है। तो बारिश काफ़ी अच्छी हुई है और पेड़ वगैरह ज़्यादा नहीं टूटे, इधर एक छोटा मोटा टूटा है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे होम स्टे सेफ।